चंद्राकर सर क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। डियर, आज वो दिन आ गया जब हम लोग गॉस प्रमेय का एप्लीकेशन करने वाले हैं। आज हम लोग गॉस प्रमेय का पहला अनुप्रयोग यहाँ पर करने वाले हैं। नाम आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, अनंत लंबाई का सीधे आवेशित तार अर्थात चालक है, जिसके कारण हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है गॉस प्रमेय की सहायता से। डियर, आइए यहाँ पर आपको जो भी निर्माण करना है, किसी भी चीज का निर्माण करने के लिए कुछ चीज पहले से मौजूद होता है, कुछ चीज को हमें लाना पड़ता है। डियर, यहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए क्या चीज दी गई है हमें? हमें दिया गया है अनंत लंबाई का सीधे आवेशित तार दिया गया है हमें। आवेशित तार आपको दिखाई दे रहा है, नाम उसका एल है, एल लंबाई नहीं है, एल तार का नाम है, आपको दिखाई दे रहा होगा, जो कि प्लस क्यूब आवेश से एक समान आवेशित है। इसके कारण हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए, तो जो हमें दिया गया है वो एक समान आवेशित सरल रेखीय चालक तार है। इसके कारण हमें गॉस प्रमेय की मदद से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी, तो ये तो बात रही दिया गया है। अब गॉस प्रमेय को मदद हम लोग ले यहां पर, तो गॉस प्रमेय का मदद लेने के लिए दो बातें चाहिए, वो दो बात जब तक मौजूद नहीं होगा गॉस साहब हमारा मदद नहीं कर पाएगा। बोले सर कौन कौन सी दो बातें? पहली बात, एक बंद पृष्ठ होना चाहिए, एक बंद पृष्ठ होना चाहिए, और दूसरी बात, हम जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं वो बिंदु उस बंद पृष्ठ के सरफेस पर होनी चाहिए। तो आइए डियर, आपको एक रेखी आवेशित चालक तार दिखाई दे रहा है। अब यहां पर हम एक छोटा सा इसका इंट्रोडक्शन दे देंगे। इंट्रोडक्शन आपके स्क्रीन पर ये रहा, यहां अनंत लंबाई का आवेशित तार एल है, जिसके एकांक लंबाई में आवेश की मात्रा। डियर याद करिए पिछले वीडियो की वो बातें जब हम लोगों ने देखा था रेखीय आवेश घनत्व, वो बात यहां पर है। हम रेखीय आवेश घनत्व को लेमडा से दर्शाते हैं, यहां पर दर्शा दिया गया। अब इस तार से आर दूरी पर कोई बिंदु पी है, लीजिए आपके सामने ये रहा, ये तार से आर दूरी पर, ये आर दूरी पर ये कोई बिंदु है पी, ये बिंदु पी आपको दिखाई दे रहा है, ये आर दूरी पर है। इसी बिंदु पी पर ही हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, वो भी गॉस प्रमेय की मदद से। तो आइए डियर, बिंदु पी पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें, इसके लिए दो बातें होना आवश्यक है। बिंदु पी जो है वो बंद पृष्ठ के सरफेस पर होना चाहिए, पहली बात, और दूसरी बात, उस बंद पृष्ठ के अंदर आवेश भी होनी चाहिए। तो इसके लिए फिर जुगाड़ करना पड़ता है डियर, हम ऐसा क्या करें कि बंद पृष्ठ की सतह पर आ जाए और उस बंद पृष्ठ के अंदर आवेश भी मौजूद रहे। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर ये जो तार है उसको अक्ष ले लेते हैं और ये जो आर है उसको रेडियस ले लेते हैं और एक बेलन का निर्माण कर देते हैं। डियर ये रहा आपके सामने, हम लोग एक बेलन का निर्माण करेंगे, ये हमने रेडियस लिया है आर, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, और हम लोग यहां पर एक बेलन का निर्माण कर रहे हैं। लीजिए आपके सामने ये बेलन मूर्त रूप लेते हुए, ये आपको अब स्क्रीन पर एक बेलन भी नजर आ रहा होगा। सपोज इसकी लंबाई जो है वो स्मॉल एल है,
ये आपका स्क्रीन पर ये बेलन आ गया और आप देख पा रहे होंगे इस बेलन के अंदर आवेश भी मौजूद है और जिस बिंदु पर हम तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं वो पृष्ठ पर मौजूद है। अब हम बहुत ही आसानी के साथ गॉस साहब का यहां पर मदद ले सकते हैं। आपको तीन पृष्ठ दिखाई दे रहे होंगे, देखिएगा तीन पृष्ठों का यहां पर नामकरण संस्कार हो गया है, पृष्ठ S1, पृष्ठ S2 और पृष्ठ S3। हमने तीनों पृष्ठों का नामकरण संस्कार कर दिया है डियर। देखिएगा आपके तरफ जो सरफेस दिखाई दे रहा होगा इसको हम लोगों ने S1 माना है, मेरे तरफ जो दिखाई दे रहा होगा वो S3 है। ये आपके तरफ वाला S1, मेरे तरफ वाला S2 और ये वाला इसको हम लोगों ने देखिए उल्टा हो गया ना, ये आपके तरफ वाला S1, मेरे तरफ वाला S3 और ये वाला हम लोगों ने S2 माना है। वैसे आप कुछ भी मान सकते हैं, किसी को भी S1, S2, S3 मान सकते हैं, आपके ऊपर है। लीजिए डियर, अब आप लोग यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा के बारे में सोचिए कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होगा। तो पहले भी चर्चा किया जा चुका है, यदि हमें बिंदु P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा जानना है तो यहां पर आप टेस्ट चार्ज को रख दीजिए, उसमें जिस दिशा में बल लगेगा वही होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा। तो निश्चित रूप से ये पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर हम Q0 को रखेंगे तो बाहर की ओर ही बल लगेगा। तो निश्चित रूप से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो दिशा है वो त्रिज्यीय बाहर की ओर होगा, बेलन के त्रिज्या के अनुदिश बाहर की ओर होगा, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। डियर अब हमें क्या करना है, इस पूरे पृष्ठ से बद्ध विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करना है। और जब हम लोग फ्लक्स का मान ज्ञात कर लेंगे उसके बाद फिर गॉस साहब को हम लोग बुलाएंगे। तो सबसे पहले किसी को बुलाने के लिए उसके लायक मंच तैयार करना पड़ता है। तो यहां पर हम लोग मंच तैयार करेंगे विद्युत फ्लक्स के रूप में, किससे बद्ध, इस बंद पृष्ठ अर्थात इस बेलन से बद्ध विद्युत फ्लक्स पहले कैलकुलेट करेंगे, फिर गॉस साहब को प्रेम से हम लोग बुलाएंगे, उसका मदद लेंगे और मदद लेकर के हम हमारे मंजिल अर्थात बिंदु P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी अर्थात तीव्रता हम लोग ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए डियर हम लोग बारी बारी से एक एक पृष्ठ से बद्ध विद्युत फ्लक्स का मान पहले ज्ञात कर लेते हैं। लीजिए आइए सबसे पहले हम पृष्ठ S1 से बद्ध विद्युत फ्लक्स का मान निकाल लें। डियर आपको बहुत अच्छे से याद होगा जब हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ रहे थे, आप पिछला वीडियो जरूर देखिएगा, प्यार से सब्सक्राइब करिएगा, वहां पर बहुत ही डिटेल में बताया गया है कि किस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा और पृष्ठ को कैसे रखें जिससे उस पृष्ठ से अधिक विद्युत क्षेत्र रेखा गुजरे या कम से कम गुजरे, इसके बारे में डिटेल में जानकारी दी गई है। और वहां हम लोगों ने जाना है, यदि पृष्ठ इलेक्ट्रिक फील्ड के लंबवत है तो उससे बद्ध विद्युत फ्लक्स का मान अधिकतम होता है, और यदि पृष्ठ इलेक्ट्रिक फील्ड के समांतर है तो उससे बद्ध विद्युत फ्लक्स का मान जीरो होता है। डियर ये आप लोगों ने बहुत अच्छे से जाना है, तो आइए उसी जानकारी को यहां हम लोग उपयोग में लाते हैं। लीजिएगा आपके पास एक बेलन है और हम लोग पृष्ठ S1 से बद्ध विद्युत फ्लक्स का मान निकालने का प्रयास कर रहे हैं। तो लीजिएगा आपके सामने पृष्ठ S1 दिखाई दे रहा है और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड U है। लीजिएगा ये आपको दिखाई दे रहा होगा, वहां पर बोर्ड में बने चित्र को तो हम कुछ नहीं कर सकते, यहां जरूर कर सकते हैं क्योंकि यहां हम लोग 3D में बात कर रहे हैं। ये पृष्ठ S1 है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ यूं है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस पृष्ठ के क्या है, समांतर है।
समांतर है, तो इस पृष्ठ से बद्ध विद्युत फ्लक्स का मान कितना हो गया, जीरो हो गया, जीरो हो गया। सेम रिजल्ट आपको पृष्ठ एस थ्री से बद्ध विद्युत फ्लक्स का भी मिलेगा। ये लीजिएगा, इधर अपन करें तो ऐसे आएगा, देख लीजिएगा, इस पृष्ठ से बद्ध विद्युत फ्लक्स का मान यदि हम लोग निकालें तो यहां पर भी जो विद्युत क्षेत्र है वो पृष्ठ के समांतर है, अतः एस थ्री से बद्ध विद्युत फ्लक्स का भी मान शून्य होगा। तो ये तय हो गया कि पृष्ठ एस वन और पृष्ठ एस थ्री से बद्ध विद्युत फ्लक्स का मान जीरो होगा, अर्थात एक भी विद्युत क्षेत्र रेखा पृष्ठ एस वन और एस थ्री से नहीं गुजरेगा। डियर, अब बारी आता है पृष्ठ एस टू का। अब ध्यान दीजिएगा, पृष्ठ एस टू, अब लीजिएगा, ये मैं इस चित्र का पोस्टमार्टम कर दिया हूं आपके सामने, और ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा। ये देख लीजिएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा है, आपके सामने है, लीजिए आपके सामने है, और ये पृष्ठ है, देखिए, तो इसमें वो परपेंडिकुलर जा रहा है, लीजिएगा, ये देख पा रहे हैं आप लोग, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा है, जो कहा होगा पृष्ठ के अभिलंबवत बाहर की ओर होगा, लीजिए यू बाहर की ओर, राइट। तो यहां पर हम लोग अब कैलकुलेट करेंगे पृष्ठ एस टू से बद्ध विद्युत फ्लक्स का, इस चित्र के माध्यम से आपको दिखाई दे रहा होगा, ये बिल्कुल बिल्कुल पृष्ठ के परपेंडिकुलर जाके टकराएगा, यहां पर देखिए, और टकरा करके वो बाहर की ओर निकलता है। तो आई एडियर, हम लोग पृष्ठ एस टू से बद्ध विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करें। पृष्ठ एस टू से बद्ध विद्युत फ्लक्स का मान निकालने के लिए हम लोग पी को घेरे हुए एक छोटा सा एरिया वेक्टर लेंगे। ये लीजिए एरिया वेक्टर, आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, छोटा सा हम लोग क्षेत्रफल यहां पर ले लेते हैं, छोटा सा क्षेत्रफल, ये आप लोग देखिए, यू, ये आपको ये पृष्ठ एस टू दिखाई दे रहा होगा, यहां पर एक छोटा सा आपको क्षेत्र लेना है। तो एक छोटा सा जो क्षेत्र है वो वक्री न होकर के समतली बन जाएगा, जिसकी दिशा पृष्ठ के अभिलंबवत बाहर की ओर होगा। तो ये देखिएगा, आपको डीएस की दिशा भी नजर आ रहा होगा, इसके बारे में हम पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं, क्षेत्रफल सदिश राशि होता है, उसकी दिशा पृष्ठ के अभिलंबवत बाहर की ओर होती है। डियर, अब आपको डीएस और ई के बीच कोण बहुत ही आसानी के साथ मिल जाएगा, और निश्चित रूप से वो जीरो डिग्री का होगा। तो आइए हम एस टू पृष्ठ से बद्ध विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले इस एरिया वेक्टर से बद्ध विद्युत फ्लक्स का मान निकाल लेते हैं, और ये हो जाएगा डी फाइ ई इक्वल टू ई डी एस कॉस जीरो। आगे आपको अच्छे से पता है कॉस जीरो का मान वन होता है, तो डी फाइ ई दिस इक्वल टू हो जाएगा ई डी एस इंटू हो जाएगा वन, और ये हो जाएगा डी फाइ ई इक्वल टू हो जाएगा ई डी एस। ये तो रही बात इस छोटे से एरिया वेक्टर से बद्ध विद्युत फ्लक्स, हमें तो पूरे वक्री पृष्ठ का चाहिए ना, संपूर्ण पृष्ठ नहीं, अभी तो वक्री पृष्ठ, केवल ये वाली पृष्ठ से कितना विद्युत फ्लक्स या कितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही है वो कैलकुलेट करना है। तो आइए कैलकुलेट करें, उसके लिए आप लोगों को अच्छे से पता है हम लोग समाकलन को प्रयोग में लाते हैं, तो लीजिए उसी को अब यहां पर लिखेंगे। अब पूरे वक्री पृष्ठ, ये निकाले हैं वो किसका एरिया, ये छोटा सा एरिया वेक्टर, इससे बद्ध विद्युत फ्लक्स का मान आप लोग निकाले हैं। अब किसान क्या निकाल रहे हैं, ये पूरे वक्र पृष्ठ का निकाल रहे हैं। अब पूरे वक्र पृष्ठ एस टू से बद्ध विद्युत फ्लक्स, इसको हम लोग बोल देते हैं फाइ ई टू,
चूंकि ये एच टू है इसलिए इसको हम लोग ई टू बोल देते हैं, और दिस इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ लीजिएगा डी फाइव ये, और इस मान को यहां पर पुट कर देते हैं। यहां पर हम लोग मान रख दें बी का, तो ये हो जाएगा आपका फाइव ई इक्वल टू ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ डी एच। लीजिए डियर, आपको अच्छे से पता है ई हम लोग बाहर ले लेते हैं, ये हो जाएगा फाइव ई, ई बाहर हो गया, अरे हो गया इंटीग्रेशन ऑफ डी एस। इंटीग्रेशन ऑफ डी एस का मतलब होगा सरफेस पर ये आपने छोटा सा जो एरिया वेक्टर लिया है वैसा ही वेरिएक्टर पूरे सरफेस पर लेना है और सबको जोड़ देना है, और सबको जोड़ दोगे यहां पर छोटा 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 एरिया वेक्टर ले लो सबको जोड़ दो तो आपको मिलेगा बेलन का वक्र पृष्ठ मिल जाएगा। तो यहां पर हम इसको लिखते हैं फाई इक्वल टू ई इंटू ये हो जाएगा बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ हो जाएगा ये। चलिए डियर, ये बेलन का वक्र पृष्ठ कक्षा दसवीं की पुनः मेंसुरेशन में जाइए, वहां हम लोगों ने बेलन पढ़ा था, और बेलन का वक्र पृष्ठ सी इक्वल टू होता है 2πRh, जहां पर r रेडियस ऑफ स्फीयर बेलन की त्रिज्या है और h जो है वो बेलन की ऊंचाई है। डियर, इस सूत्र को इस परिस्थिति में, वर्तमान परिस्थिति में आप यूज करिएगा तो यहां पर आएगा c इक्वल टू 2π, रेडियस आपको अभी भी r दिखाई दे रहा है लेकिन यहां पर ऊंचाई h ना हो करके l है, अब इसको आप यहां यूज कर लीजिए। आइए, तो ये हो जाएगा फाई ई इक्वल टू ये हो जाएगा e इंटू 2πRL। लीजिएगा डियर, इस प्रकार से हमने ये वक्री पृष्ठ से बद्ध विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कर लिया, और ये समतलीय पृष्ठ S1 और S3 से भी बद्ध विद्युत फ्लक्स का मान हम लोगों ने ज्ञात किया, जिसका मान क्रमशः क्या मिला था, 0 0 मिला था। अब हम लोग पूरे बेलन बोलूंगा मतलब तीनों पृष्ठ शामिल हो जाएगा, दो समतली पृष्ठ और एक वक्री पृष्ठ, तो इस बेलन के संपूर्ण पृष्ठ से बद्ध विद्युत फ्लक्स को हम लोग यहां पर लिखेंगे, उसके बाद हम लोग आमंत्रित करेंगे गॉस साहब को। तो आइए करें, अब बेलन के संपूर्ण पृष्ठ बोले तो इसमें S1, S2, S3 सब शामिल है। लीजिएगा, अब बेलन के संपूर्ण पृष्ठ से बद्ध विद्युत फ्लक्स ये हो जाएगा फाई ई इक्वल टू हो जाएगा फाई ई वन प्लस फाई ई टू प्लस फाई ई थ्री। इस प्रकार से आप लोग नाम दे सकते हैं, S1 से बद्ध विद्युत फ्लक्स फाई ई वन, S2 से बद्ध विद्युत फ्लक्स फाई ई टू, पृष्ठ S3 से बद्ध विद्युत फ्लक्स फाई ई थ्री। और चूंकि ये हम लोग H2 का ज्ञात कर रहे थे तो यहां पर हम चाहे तो 2 2 लिख सकते हैं, ये 2 2 लिख सकते हैं, और मजेदार टॉपिक आपका ये बन जाएगा। लीजिएगा, मान पुट करिए फाई ई दिस इक्वल टू चलिएगा फाई ई वन, पृष्ठ S1 से बद्ध विद्युत फ्लक्स का मान है, आप लोगों ने इसका मान 0 निकाला हुआ है, प्लस चलेगा फाई ई टू, पृष्ठ S2 से बद्ध विद्युत फ्लक्स का मान है, ये आपके सामने स्क्रीन पर है, e इंटू है 2πRL, प्लस फाई ई थ्री, पृष्ठ S3 से बद्ध विद्युत फ्लक्स का मान है जिसको मान 0 होता है, ये हम लोगों ने जाना है। आइए डियर, इसको आगे बढ़ाएं।
लीजिएगा। तो ये मिलेगा हमें फाई इक्वल टू मिलेगा हमें ई इंटू टू पाई आर एल। इसको लिखिएगा समीकरण नंबर एक, ब्रेक लगा दीजिए। अब इसके बाद आपने क्या किया, पूरे ये जो गॉसी पृष्ठ है उससे बद्ध विद्युत फ्लक्स का मान आप लोगों ने निकाल लिया, अर्थात ये आप लोगों ने निकाल लिया कि इस गॉसी पृष्ठ से होकर के कितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरती है। अब आप बिल्कुल तैयार हैं गौस साहब को बुलाने के लिए, तो आइए हम लोग गौस साहब को यहाँ पर आमंत्रित करें। तो यहाँ पर लिखेंगे किंतु गौस के प्रमेय से, किंतु गौस के प्रमेय से, प्रमेय से। चलिए डियर गौस साहब को बुलाएं, हम लोग अच्छे से जानते हैं फाई ई दिस इक्वल टू होता है वन अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। ये लीजिएगा, इसको डाल दीजिएगा समीकरण नंबर दो। अब एक चीज आप लोग ध्यान देना, गौस साहब ने जब ये नियम दिया, तो ये गौसी पृष्ठ से बद्ध विद्युत फ्लक्स का मान था फाई ई, और क्यू जो है डियर उस गौसी पृष्ठ के अंदर मौजूद आवेश था क्यू। अब आप जरा सोचिए, क्या आज इस परिस्थिति में इस गौसी पृष्ठ के अंदर इतना आवेश मौजूद है क्या? बिल्कुल नहीं है डियर, क्यू आवेश बिल्कुल नहीं है। तो क्या करेंगे हम लोग, रेखीय आवेश घनत्व की परिभाषा को प्रयोग में ला करके इस गौसी पृष्ठ के अंदर कितना आवेश है उसको हम लोग लिख देंगे, तभी गौस का नियम सही हो पाएगा। क्योंकि क्यूब जो है वो गौसी पृष्ठ के अंदर मौजूद आवेश है, और यहां पर गौसी पृष्ठ के अंदर कितना आवेश मौजूद है उसका उल्लेख यहां पर नहीं है। तो हम लोग आइए परिभाषा यूज करें, रेखीय आवेश घनत्व। अब रेखीय आवेश घनत्व, की परिभाषा से, यूज करें। चले आप लोग, आज ये वीडियो जारी हुआ है, आप लोग देख सकते हैं रेखीय आवेश घनत्व, पुराना वीडियो जरूर देखिए क्या होता है करके। तो यहां पर होगा लेमडा इक्वल टू होता है, क्यूब अपान एल। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो आपको मिलेगा क्यूब इक्वल टू लेमडा एल। लीजिए डियर, ये रहा समीकरण नंबर तीन। इसकी जरूरत क्यों पड़ी यहां पर, हमने जैसे ही देखा यहाँ पर आवेश क्यूब, हमने सोचना चालू कर दिया सर गॉस थ्योरम में हमने देखा था क्यूब जो है वो गौसी पृष्ठ के अंदर मौजूद आवेश होता है, लेकिन यहाँ तो मामला गड़बड़ है सर, यहाँ तो गौसी पृष्ठ के अंदर कितना आवेश है नहीं पता। तो उसको पता करने के लिए हमने रेखीय आवेश घनत्व की परिभाषा का मदद लिया है। लीजिए डियर, ये आवेश का मान आ गया, किसके अंदर मौजूद आवेश, गौसी पृष्ठ, ये जो बेलन बना है गौसी पृष्ठ उसके अंदर मौजूद आवेश लेमडा एल है डियर। और एकदम सार्थक भी है, देखिए कैसे, लेमडा क्या चीज है, एकांक लंबाई में आवेश की मात्रा है ना, एकांक लंबाई में आवेश की मात्रा है, हमें कितने लंबाई में आवेश की मात्रा चाहिए था, एल लंबाई में, तो एकांक लंबाई में लेमडा, तो एल लंबाई में आप एल से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना मिलेगा, लेमडा एल मिलेगा, पक्का है। जब एक का वैल्यू मिल गया, एकांक लंबाई का मिल गया, तो एल लंबाई के लिए एल से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो लेमडा एल जो है वो एल लंबाई में मौजूद आवेश है। इसको यहां पर पुट कर दीजिए समीकरण दो व तीन से, ये आपके पास आ जाएगा फाई ई दिस इक्वल टू आ जाएगा वन अपान एप्सिलॉन नॉट
इंटू लेमडा एन, ये हो गया समीकरण नंबर चार। अब आप जाइएगा समीकरण एक के पास, समीकरण एक व चार से आपको समीकरण एक व चार दिखाई दे रहा होगा, दोनों के लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, देन उसके राइट हैंड साइड को भी हम लोग बराबर करेंगे। तो आइए डियर, समीकरण एक व चार से ये हो जाएगा E इंटू टू पाई आर एल इक्वल टू हो जाएगा वन अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा एल। लीजिएगा डियर, अब हमें E का मान ज्ञात करना है, हमारा लक्ष्य हमारा मंजिल है E का मान ज्ञात करना। तो जिसका मान ज्ञात करना है उस पद को उस पक्ष में अकेले रखिए, बाकी सबको पक्षांतर के नियम से दूसरे पक्ष में ले चलिए। तो ये हो जाएगा आपका E इक्वल टू, इसको उस पक्ष में ले जाइएगा तो ये हो जाएगा, यहाँ गुणा है इधर जाके भाग हो जाएगा, और ये हो जाएगा वन अपान टू पाई आर एल इंटू ये हो जाएगा वन अपान एप्सिलॉन नॉट लैम्डा एल। लीजिए यहां पर देखिए, आपको अंश में मिलेगा एल, जो कि एल से यहां पर कैंसिल हो जाएगा। आइए आगे बढ़ें और इसको हम लोग लिखें इक्वल टू वन अपान टू पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू अंश में बचा है लैम्डा और हर में बचा है आर, यही अभीष्ट व्यंजक है, यही हमारा मंजिल है डियर। देख पा रहे हैं आप लोग, इस साल ये एग्जाम में पूछा भी गया था, बस एक लाइन एक्स्ट्रा कर दिया था, बोला गया था सिद्ध कीजिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो डियर आपको ये दिखाई दे रहा है वन अपॉन टू पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा, ये कॉन्स्टेंट है वो हटेगा, तो यहां पर इसको हम लोग लिख सकते हैं इज प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन आर, यही सब एग्जाम में बस एक लाइन एक्स्ट्रा पूछ दिया गया था, और यदि व्यंजक की स्थापना करने के लिए एग्जाम में आए तो आपको यही तक करना है। चलिए डियर, आप चंद्राकर सर क्लास जो यूट्यूब चैनल है उसको खूब सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको निरंतर वीडियो की सूचना मिलता रहे।